हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन कुकिंग विद रेखा पहाड़िया। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ बहुत ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी जिसका नाम है ब्रेड कलाकंद। ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी और इसे बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है। तो इस रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले लिया है 1 लीटर दूध। इस 1 लीटर दूध को मैंने एक पैन में बॉईल होने के लिए रख दिया है। हमें इसे मीडियम टू हाई फ्लेम पर अच्छी तरह से बॉईल करना है। ये 1 लीटर दूध जब तक 300 मिलीलीटर में कन्वर्ट ना हो जाए तब तक हमें इसे बॉईल करना है। आप देख सकते हैं कि हमारे दूध में जो है वो अच्छी तरह से उबाल आ गया है। बस अब हम इसी स्टेज पर इसके अंदर डाल देंगे थोड़े से केसर के तार। केसर के तार डालना बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको प्रेफर करूँगी कि आप केसर के तार ज़रूर डालें, इससे कि आपकी मिठाई का कलर भी बहुत अच्छा आएगा, प्लस आपकी मिठाई में फ्लेवर भी बहुत अच्छा आएगा। आप इसी स्टेज पर इसे डाल दें ताकि ये अपना कलर अच्छी तरह से इसमें छोड़ सके। बस केसर डालने के बाद आपको इसी तरह से मीडियम टू हाई फ्लेम पर दूध को हिलाते हुए कंटिन्यूसली पकाते जाना है। ये देखिए, कुछ ही देर बाद आप देखेंगे कि हमारे दूध के ऊपर एक मोटी सी लेयर जम गई है। ये काफ़ी थिक हो गया है हमारा दूध। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे साइड से भी, अच्छी तरह से इसे क्लीन करके अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है। आप देख सकते हैं हमारा दूध क्वांटिटी में भी काफ़ी कम हो गया है। बस इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे लगभग 2 चम्मच के करीब खोया। ये खोया मैंने 1/2 लीटर दूध को फाड़ कर फिर बनाया था। ये देखिए, खोया डालने से हमारी रबड़ी जो है काफ़ी थिक बनेगी और जितनी थिक हमारी रबड़ी होगी उतनी ही अच्छी हमारी मिठाई लगेगी। ये देखिए, मैंने इसके अंदर सारा खोया डाल दिया है। अब साथ ही इस स्टेज पर हम इसमें डाल देंगे चीनी। यहाँ पर मैंने 8 से 10 चम्मच चीनी ली है। आप चाहें तो चीनी कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, लेकिन ये बिल्कुल परफेक्ट रेशियो है। अब हम इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और मुश्किल से 5 मिनट तक हमें दूध को और पकाना होगा, क्योंकि चीनी डालने के बाद हमारा दूध थोड़ा सा और लिक्विड होगा। जब तक हमारी रबड़ी बन रही है तब तक हम ये प्रोसेस कर लेते हैं, और ये प्रोसेस आपको जब ही करना है जब आपकी रबड़ी बनने वाली हो। मैंने यहाँ पर इस तरह से एक ढक्कन लिया है, उससे हम ब्रेड को इस तरह से कटिंग कर लेंगे, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर छोटी कटोरी तीखी नहीं है। अगर आपके पास छोटी तीखी कटोरी हो तो आप उससे ब्रेड को कटिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पर ब्रेड को गोल गोल कटिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पर चौकोर बर्तन नहीं है। हमें यहाँ पर गहरा बर्तन चाहिए होगा क्योंकि हमें यहाँ पर मिठाई की लेयर बनानी होगी। मिठाई की लेयर बनाने के लिए आपको गहरा बर्तन चाहिए होगा। अगर आपका बर्तन चौकोर है तो आपको ब्रेड की एजेस को अलग कर लेना है, उससे चौकोर ही रखना है। मैंने यहाँ पर गोल प्लेट ली है, इसीलिए मैंने यहाँ पर गोल गोल कटिंग निकाली है, और साइड्स में जो छोटी छोटी जगह बच गई है वहाँ पर हम ब्रेड के पीसेस को रख देंगे। ये देखिए, इस तरह से जो हमारी ब्रेड बची हुई है उसमें से थोड़ी सी कटिंग निकाल के हम चारों तरफ रख लेंगे। देखिए, जब तक हम ब्रेड की कटिंग निकाल रहे थे तब तक हमारी रबड़ी भी बनकर बिल्कुल रेडी है। बस इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे इलायची पाउडर। यहाँ 1 से 2 इलायची के पाउडर आप इसमें डालें। साथ ही हम इसमें डाल देंगे ड्राई फ्रूट्स। ड्राई फ्रूट्स पर मैंने यहाँ पर लिए हैं काजू, बादाम और पिस्ता। आप जो चाहें वो ड्राई फ्रूट्स इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, लेकिन सबसे अच्छा टेस्ट काजू, बादाम और पिस्ता का ही आता है कलाकंद के अंदर, बाकी आपकी चॉइस है। आप हमारी रबड़ी की थिकनेस भी देख सकते हैं, ये बिल्कुल परफेक्ट है। बस इससे ज़्यादा हमें रबड़ी को थिक नहीं करना है, क्योंकि जैसे ही आप गैस ऑफ करेंगे 2 से 3 मिनट में ही आप देखेंगे कि ये और भी ज़्यादा थिक हो जाएगी। बस अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे। ये देखिए, हमने ब्रेड को भी प्लेट में अच्छे से सेट कर लिया है, और 4 ब्रेड और हमने साइड में रखी है क्योंकि हमें 2 लेयर बनानी है। अब इसके ऊपर हम जल्दी से रबड़ी डालना स्टार्ट करेंगे। अच्छी तरह से रबड़ी को इस पर स्प्रेड करना है चारों तरफ फैलाते हुए, और हमें रबड़ी को ब्रेड के ऊपर गर्म गर्म ही डालना है।
ताकि ये अच्छी तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड हो जाए और अच्छी तरह से ब्रेड के अंदर भी अब्जॉर्ब हो जाए। अगर ठंडा होने के बाद आप इस प्रोसेस को फॉलो करते हैं तो हमारी जो मिठाई है वो इतनी अच्छी नहीं बनेगी, क्योंकि हमारे ब्रेड के अंदर रिस नहीं पाएगी ये रबड़ी। इसलिए जब ये रबड़ी गरम गरम हो, कुनकुनी हो, तभी आप ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करें। ये देखिए, एक लेयर मैंने यहाँ पर बना ली है, दूसरे लेयर में हमें इसी तरह से सारी ब्रेड को सेट करना है। जो प्रोसेस हमने फर्स्ट लेयर में की थी सेम वही हमें सेकंड में भी करना है। ये देखिए, इस तरह से हम ब्रेड के छोटे छोटे पीसेस को साइड्स में भी रख लेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही हो तो प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि अगले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अब देखिए, बची हुई सारी रबड़ी को भी हम इसी तरह से ब्रेड के ऊपर चारों तरफ फैला लेंगे। हमें अब रबड़ी को बिल्कुल भी नहीं बचाना है, बस आधी आधी करके हमें दो बार में रबड़ी को इस तरह से ब्रेड के ऊपर स्प्रेड करना होती है। थोड़ा सा प्रेस करते हुए अच्छी तरह से हमें लगाना है रबड़ी को। कितनी माउथ वाटरिंग रेसिपी लग रही है, प्लीज़ आप मेरी रेसिपी को ज़रूर ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। ये देखिए, लगभग हमारी रेसिपी बनकर कंप्लीट है। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे गार्निशिंग के लिए थोड़े से ड्राई फ्रूट्स, काजू बादाम, पिस्ता। ये बिल्कुल रेडी है फ्रिज में सेट होने के लिए। अब हम इसे लगभग घंटे भर के लिए फ्रिज में रख देंगे। ये देखिए, एक घंटे बाद हमारी मिठाई बिल्कुल रेडी है। ये अच्छी तरह से सेट हो चुकी है, एक घंटा इनफ है इस मिठाई को सेट होने में। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरी रेसिपी को लाइक ज़रूर कीजिएगा। बस अब हम इसे सर्व करेंगे। आपको काटने से ही पता चल रहा होगा कि हमारी रेसिपी जो है कितनी ज़्यादा सॉफ्ट बनी है। बहुत ही केयरफुली मुझे इसकी कटिंग करनी पड़ रही है ताकि ये बिखर ना जाए। बहुत ही हल्के हाथ से इसे हैंडल करना पड़ेगा। और इस तरह से हम इसे निकालेंगे और प्लेट में सर्व करेंगे। आई होप आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलूंगी आपसे अगली रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।